गुड इवनिंग, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा तोरी यानी कि नेनुआ। इसको हमने देख लीजिए बीच से कट करके रख लिया है, ऐसे जैसे करेले में करते हैं। इसका छिलका हम अच्छी तरह से उतार दिए हैं, देख लीजिए छोटा छोटा हमने कट करके रख लिया है। आपको एक, अगर ज़्यादा बड़ा आपका ये तोरी है यानी नेनुआ, तो आप इसको एक में दो कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी है तो एक ही तोरी रखिए, बीच से काटने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमने मिर्च ले लिया है, क्योंकि करेले में मिर्च नहीं पड़ता, इसमें तोरी में मिर्च हमको तो ऐड करना पड़ेगा थोड़ा चटपटा बनाने के लिए। उसके लिए हमने एक खूब बारीक मिर्च कट करके रख लिया है। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा भूंजा हुआ सौंफ, मंगरेल खड़ा धनिया, इसको हम भूंज के अच्छी तरह से बारीक इसको पीस लिए हैं। देख लीजिए इसको हमको भूंजना पड़ता है, उसके बाद हमको पीसना है इसको। फिर धनिया पाउडर लें, थोड़ा लाल मिर्च, तीखी नहीं है कलर आने के लिए। प्याज एक छोटा सा हमने रख लिया है कट करके बारीक, दो तीन कली लहसुन है। अब इसमें हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। ये देखिए हमने बहुत थोड़ा सा, एक चम्मच से आधा स्पून हमने सरसों का तेल रख लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स करेंगे ऐसे। देखिए हमने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है, बहुत हल्का सा, क्योंकि नेनुआ हमारी तोरी यानी कि ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी है, इसीलिए हमने बहुत हल्का हल्का सारा चीर लिया है। आपको ज़्यादा बनाना है तो आप सब जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड किया है आप इसको ज़्यादा रख सकते हो। अब इसको हम भर देंगे एक एक करके, भर के आपको दिखाते हैं। ये देखिए भुजा हुआ सौंफ, मंगरेल, खड़ा धनिया हमने जो भुजा था सारा, थोड़ा कम हमको लग रहा था, इसमें हम थोड़ा और ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, सारा भर के आपको दिखाते हैं। देखिए हमने सारा भर के अच्छी तरह से रख लिया है, देख लीजिए बीच में कट कट के। ये तो थोड़ा सा हमारा मसाला बच गया था, अभी हम इसको तोरी को यानी नेनुआ को थोड़ा पका लेंगे, उसके बाद ऊपर से मसाले ऐड कर देंगे। हाँ, हमने इसमें थोड़ा अमचूर पाउडर भी ऐड किया है यानी खटाई पाउडर, आप लोग उसको भी ऐड कर दीजिएगा। वो क्लिप हमसे मिस हो गई, उसको हम आपको नहीं दिखा पाए, हमने थोड़ा खटाई पाउडर यानी अमचूर भी ऐड किया है। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, तोरी हमारी बहुत थोड़ी सी है, इसीलिए हमने तेल को ज़्यादा नहीं रखा है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम सारी तोरियाँ ऐड कर देंगे। ये ऐड करके उसके बाद आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तोरी हमने थोड़ा सा अलग पलट दिया है, आपको इसको हाई फ्लेम नहीं रखना है, लो फ्लेम पे इसको पकाना है। बहुत थोड़े से तेल में आपकी भरवा तोरी यानी नेनुआ बन के रेडी है। आप इसको रोटी किसी भी साथ खा सकते हैं, आपको जिसके साथ इसको खाना पसंद है, हमने इसको आपको लो फ्लेम से पकाना है। देखिए हमने दोबारा से आपको दिखा दे रहे हैं, अभी हमारी तोरी अच्छे से पक रही है, देखिए गोल्डन ब्राउन हो रही है। इसको हमको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाना है लो फ्लेम पे, बहुत हाई फ्लेम नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम रहें। देखिए हमने बचा हुआ मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है ऊपर साइड में। ये आपको इसको कलछुल के सहारे से नहीं चलाना है, आपको इसको चिमटे के सहारे से चलाना है, क्योंकि ये बहुत ही नरम सी होती है, सारी टूट जाएगी। ये देखिए अभी ये पक रही है हमारी अच्छी तरह से, अगर आपको कच्चे प्याज वगैरह इसमें ऐड करना नहीं पसंद है तो आप इसको जैसे सब्जी के लिए प्याज पकाते हो, प्याज मिर्च लीजिए, लहसुन प्याज आप
इसको चॉप करके यानी बारीक पीस लीजिए, जैसे हमने पीसा था, चॉप किया था। उसके बाद आप इसको गोल्डन हल्का ब्राउन होने तक तेल में फ्राई कर दीजिए, जैसे आप सब्जी के लिए भूनते हैं, थोड़ा हल्का कच्चा ही रहे। फिर उसके बाद आप इसको निकाल के सारे मसाले हमने बीच में ऐड किए हैं, सारे मसाले आपको प्याज पकी हुई प्याज में ऐड कर देना है आपका। और उसके बाद इसमें बीच से तोरी को कट करके यानी नेनुआ को सारे मसाले आपको भर देना है। आप वैसे भी बना सकते हो, आपको जैसे पसंद है वैसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो सिस्टम हमने बता दिया है। देखिए तोरी हमारी बनके अच्छी गोल्डन ब्राउन तैयार हो गई। आपको जो भी अच्छा लगे आप उस टाइप में बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद है। आप इसको रोटी किसी के साथ भी खा सकते हो, पराठा पूरी कचौड़ी आपको जिसके साथ पसंद है उसके साथ खा लीजिए। ये देखिए ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। जिसको पसंद आए कमेंट शेयर करें अपनी फैमिली दोस्तों के साथ। जो हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आई होप आप लोग को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए भरवा तोरी हमारी बनके रेडी है।